हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो। तो कल आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। पहले हमने भी नूबिया Z60 अल्ट्रा का अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। आज हम पहले ब्लू का किया गया, आज हम ब्लैक का करने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, देखते भी क्या क्या रहने वाले स्मार्टफोन के अंदर। तो गाइस ये भाई नूबिया Z60 अल्ट्रा, जो कि भाई आप देख सकते हो वेंट आपको हमने दिखा दिया है। बॉक्स कुछ ब्लैक रंग का देखने में, सील ब्रेक कर लेते हैं जल्दी से स्मार्टफोन की। जो सील ब्रेक ऊपर वाला बॉक्स की, जो सील ब्रेक उसको ओपन करने पर ऊपर ब्रांडिंग दिख जाती है नूबिया की, वो G60 भी लिखा हुआ ऊपर ही स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाता है। और गाइस स्मार्टफोन के अंदर भी Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 का प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करें अभी जो बॉक्स आपको उस G60 का यहाँ पर मेंशन किया गया है और बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स है, उसके अंदर भी आपको कवर यानी हार्ड केस देखने मिल जाता है, सिम चैप्टर टूल देखने मिल जाता है। और गाइस साथ में आपको A2C केबल यहाँ पर देखने मिलता, सॉरी C2C केबल देखने मिल जाती है। और नूबिया का यहाँ पर चार्जर देखने मिल जाता है जो कि 120 वोल्ट का यहाँ पर एक्सेप्ट करता है भाई। और यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस देख सकते हो, फोन भी एंड्रॉइड 750 रैम, 8GB रैम यहाँ पर NGB देखने को मिल जाता है, LPDDR5X देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड स्क्रीन 6.8 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, फोन 400 PPI देखने मिल जाती है। और मेटल फिनिशिंग यहाँ पर देखने मिल जाती है, यहाँ पर मेटल बोर्ड यहाँ पर दी गई है। स्मार्टफोन HDR+10+ देखने मिल जाती है। स्पीकर ग्रिल, स्टीरियो स्पीकर देखने मिल जाता है, शॉर्टकट के लिए बटन देखने को मिल जाते हैं। और थिकनेस 8.9 mm थिकनेस देखने को मिल जाती है। टच प्रूफ IP68 की रेटिंग यहाँ पर देखने मिल जाती है वाटर रेजिस्टेंस के साथ ही। और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर 50+ 50+ 64 MP का यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है, सोनी के कैमरे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और गाइस यहाँ 16 MP का आपको जो कि भाई अंडर डिस्प्ले कैमरा 16 MP का यहाँ पर देखने को मिल जाता है फ्रंट कैमरा। और गाइस फोन को ओपन कर लीजिए, यानी भाई ऑन कर लेते हो MIUI 14 पर ये फोन काम करता है, यानी भी चलता है। और गाइस इस फोन के अंदर वही सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ISO भी यहाँ पर देखने को, OIS भी यहाँ कैमरा भी देखने को मिल जाता है। स्क्रीन बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ स्क्रीन के जो साइड में आपको क्राउड देखने को नहीं मिलता, ये कोने होते हैं ना, वैसा कुछ स्क्रीन देखने को मिल जाता है, फ्लैट स्क्रीन है बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ पर अंडर डिस्प्ले में कैमरा 12 MP का, 6000 mAh की बैटरी लेनी है, 1 ईयर वाली बैटरी देखने को, 4.018 वोट का यहाँ पर क्विक चार्जिंग अडाप्टर भी देखने को मिल जाते हैं, यानी 120 वोट का अडाप्टर यहाँ पर वेरियंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। US 4.0 भी देखने को मिल जाती है। डुअल सिम 5G ब्रांड यहाँ पर जिससे कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। FM रेडियो स्टीरियो स्पीकर और USB टाइप सी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाते हैं। लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, जायस्कोप सेंसर, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस जो बात कर लेते हैं भाई इस 5G 4G तो ये है ही, और साथ में आपको UFS 4.0 भी देखने को मिल जाते हैं। और कैमरा की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो गाइस ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा हमें भी कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा हमने सब कुछ डिटेल यहाँ पर भी बता दिया है, और पहले भी हमने बताया था आपको ये कलर कैसा लगा। मेन मकसद था हमारा कलर को लेकर आना, आपको ये कलर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और हमें बताना भी आपको ये कलर सबसे बेस्ट लगा है। तो गाइस चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसी हम डिटेलिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।